हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बीएचयू पाठशाला फैकल्टी ऑफ आर्ट्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कला संकाय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एक अपडेट निकल कर आ रही है। वो अपडेट मुझे आप तक पहुंचानी थी। आप स्क्रीन पे दिख भी पा रहे होंगे, ये एक अपडेट है। और देखिए, आज एक मीटिंग हुई है जो कि 22 जुलाई को है, और ये इस मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए, ये मीटिंग जो है वो 11 बजे आयोजित की गई थी 22 जुलाई को और एनी बेसेंट हॉल में, और आगे क्या हुआ इस मीटिंग में वो हम आपको बताते हैं। काफ़ी सारे लोग आज डाउट्स में हैं, काफ़ी दिनों से जब से यूजीसी की गाइडलाइन आई है और उसके बाद यूजीसी की एक गाइडलाइन के जो आई है उसके संदर्भ में एक विश्वविद्यालय ने यानी बीएचयू ने अपना नोटिस जारी किया हुआ था, गाइडलाइन जारी किया हुआ है, तब से लोगों के मन में डाउट है कि जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं यूजी के, पर्टिकुलरली सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर की, आखिर उनकी एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, तो उसी से रिलेटेड ये नोटिस आई हुई है। और ऐसे ही और भी फैकल्टीज़ से जैसे भी कोई नोटिस या नोटिफिकेशन आएगी हम आप तक पहुँचाने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। और उसी के साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको कोई भी ऐसी नोटिस जो है वो लेट ना हो, आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुँच सके, आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो। आगे मैं आपकी नोटिस आपके लिए पढ़ता हूँ। या नोटिस में लिखा हुआ, एट द आउटसेट द चेयरमैन वेलकम्ड ऑल द मेंबर्स एंड डिस्कस द मैटर रिलेटेड टू यूजीसी गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशंस एंड एकेडमिक कैलेंडर 2021-2022 इन व्यू ऑफ COVID-19 पैंडेमिक। अकॉर्डिंग टू अबव गाइडलाइंस द पीपीसी ऑफ द फैकल्टी ऑफ आर्ट्स अननिमसली रिजॉल्व दैट ऑल द डिपार्टमेंट्स विल कंटिन्यू दर इंटरमीडिएट पीजी सेमेस्टर एग्जामिनेशंस दोज हु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट। कहने का मतलब ये कि जो पीजी के इंटरमीडिएट सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस हैं वो जारी रहेंगे, अगर नहीं स्टार्ट हुए हैं तो वो स्टार्ट होंगे अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। यानी पीजी के सेमेस्टर एग्जाम यानी इंटरमीडिएट सेमेस्टर जो पीजी के एग्जाम्स हैं वो बिल्कुल ही कंटिन्यू रहेंगे, उसमें कोई रोक या कोई भी बाधाएँ या रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं या फिर कुछ भी उसमें रुकावट नहीं है, आप बिल्कुल क्लियर कट समझ के रखिए। अब बात आती है यूजी सेमेस्टर्स की। फर्दर फॉर द यूजी सेमेस्टर एग्जामिनेशंस इट विल बी फॉलोड द मोडस ऑपरेंडी ऑफ द यूजीसी गाइडलाइंस दैट इज असेसमेंट ऑफ द इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर ऑफ सच स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन इंटरनल इवेल्युएशन और प्रीवियस सेमेस्टर असेसमेंट एज सजेस्टेड इन 2020 यूजीसी गाइडलाइंस जो भी है। देखिए, यहाँ पे आपको चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो यूजीसी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपका असेसमेंट होगा, जिसमें इंटरनल इवेल्युएशन और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर यानी प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स के बेसिस पे आपको मार्किंग की जाएगी। तो आप बिल्कुल अब क्लियर कट समझ जाइए कि जो यूजीसी की गाइडलाइन आई थी उस पे सारी सस्पेंस फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ने भी क्लियर कर दिया है कि अब यूजी के सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर जैसे जो इंटरनल कह सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर हैं उनके एग्ज़ाम्स अब बिल्कुल नहीं होंगे, यानी उनके एग्ज़ाम्स जो है वो नहीं होंगे। या मन में अपने डाउट्स बिल्कुल दूर कर लीजिए, जो फाइनल सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस हैं वो जारी रहेंगे और पीजी के जो एग्जामिनेशंस हैं वो भी जारी रहेंगे, या अभी जो स्टार्ट होने को हैं वो स्टार्ट होंगे अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो फाइनल अपडेट ये था कि यूजी के सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन के लिए डाउट बनी हुई थी वो एग्ज़ाम नहीं होंगे, ये फाइनली आपको नोटिस के द्वारा पता चल गया होगा। और ये नोटिस आपको हमारे बीएचयू पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएगी। तो ऐसे ही ऑफिशियल अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिए। और भी किसी फैकल्टी से अगर कोई भी अपडेट निकल कर आता है तो हमारी टीम द्वारा आप तक जल्द से जल्द पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरों तक भी पहुँचाइए। जो भी लोग आज अभी डाउट्स में पड़े हुए हैं कि एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, तो उनकी डाउट बिल्कुल सॉल्व हो सके और वो अपनी जो भी पढ़ाई है, अपनी शिक्षा ग्रहण करने की जो एक कार्य चल रहा है कह सकते हैं, शिक्षा ग्रहण करने की जो उनकी इच्छा है, अभिलाषाएं, वो आगे निरंतर आगे बढ़ती रहें। तो बस यही था अपडेट। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।